हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आ गई हूँ रायबरेली में। ये दुबई कार्निवल लगा हुआ था, तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में मेरी बेटी दोनों सब साथ में आए हैं घूमने। तो सबसे पहले हमने एंट्री, जैसे ही आप करते हो तो आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा और सबसे पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने टिकट लेके एंट्री की और एंट्री करने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा रहता है। यहाँ पे झूले थे, खाने पीने की सारी चीज़ें थी और ये यहाँ से हम लोग टिकट लेके अपना, यहाँ पे मैंने अपना टिकट दिया और एंट्री की हम सभी लोगों ने। एंट्री करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक था। ये पहली बार ऐसा यहाँ पर लगा था, इससे पहले यहाँ पर नहीं लगता था और प्रदर्शनी लगती थी पर ऐसा कुछ नहीं लगता था, पहली बार लग रहा था। और ये मेरी बेटी है जो कि बहुत ही इंजॉय कर रही थी। इसको मेले देखने और बाहर घूमने में बहुत अच्छा लगता है और हम लोग इसको हर जगह ले भी जाते हैं। तो एंट्री करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। आप लोग अगर आस पास में हो तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, ये दीपावली तक लगा रहेगा। तो दुबई थीम के से कार्निवल लगा हुआ था, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, आप लोग जैसे देख सकते हो सब उसी की दुबई की थीम पे बना हुआ था। और मेले पे जैसे सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने कुछ झूला वगैरह नहीं झूला क्योंकि साथ में बच्ची थी छोटी, तो मुझे लगा कि सही नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं झूली। बाकी सारी चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन भीड़ पता नहीं क्यों, मैं जिस दिन गई थी बहुत ही ज़्यादा कम था, आप लोग देख सकते हो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं उसी दिन था या फिर मैं काफ़ी लेट में पहुँची, पता नहीं जो भी रीज़न रहा हो, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम थी। हाँ, लेकिन अच्छा काफ़ी ज़्यादा था। आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री का चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने वहाँ देखा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी आप कर सकते हो, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसी वजह से मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिया। बाकी शॉप और सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छी मिल रही थी यहाँ पे। इयररिंग वगैरह के भी स्टॉल थे, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत इयररिंग थे और क्लेचर वगैरह भी थे, बट मेरे पास सारी चीज़ें थी इसलिए। और यहाँ पे कैमल राइड भी था, अगर आप लोग कैमल से भी घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो। और बाकी सारे झूले वगैरह हर टाइप के थे, बच्चों के लिए भी थे, बड़ों के लिए भी थे। और भेलपूरी था, और यहाँ पे मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली, पालक की पानी पूरी। तो मैंने सोचा कि ना इसको ट्राई करते हैं, तो मैं इसको ट्राई करने वाली थी, अभी आपको बताऊंगी। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, ना बहुत गंदा भी नहीं लगा, लेकिन जैसे नॉर्मल पानी पूरी था सेम वैसे था, मुझे कुछ भी टेस्ट चेंज नहीं लगा। हाँ, कलर भले ही इसका चेंज था। और एक यहाँ पे ये वाला चीज़ था, मुझे ये देखने में ही इतना डर लग रहा था, और तो इसको देखा मैंने, मुझे देख के जब सबसे ऊंचा गया ना तो मेरी सांस एक मिनट को रुक गई थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। आप लोगों को ये करने में अच्छा लगता है या मेरी तरह आपको डर लगता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम आपको नई नई वीडियोज़ देखने को मिल रही है तो मुझे बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, बाय बाय।